रुकिए माँ। क्या हुआ पुत्र गणेश? मुझे लौटाने के लिए तुमने इतने प्रयत्न किए और अब तुम ही मुझे रोक रहे हो। हाँ माँ, अभी आपके कैलाश जाने का समय नहीं हुआ है। तुम्हारे कहने का क्या आशय है पुत्र? क्योंकि आप कुछ भूल रहे हैं। भूल रही हूँ क्या गणेश? वो प्रण भूल रही है माँ कि जब पिताश्री पुनः आपसे विवाह कर आपको कैलाश ले जाएंगे तभी आप उनके साथ जाएंगी। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। उन स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर मुझे कैलाश ले जाना होगा। ये मेरा प्रण है। और माँ, ऋषि कात्यायन को दिया अपना वचन भी स्मरण कीजिए। एक पुत्री के रूप में आपने मुझे अत्यंत ही सुखद पल दिए हैं, परंतु एक सुख से मुझे वंचित कर दिया। बस आपका कन्या दान नहीं कर सका। पिताश्री, ताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा है तो पिताश्री को आपसे विवाह तो करना ही होगा माँ। तो पिताश्री, आपका क्या निर्णय है? महादेव, गणेश का कथन उचित है। देवी पार्वती को अपने प्राण और वचन दोनों की मर्यादा रखनी होगी, जो आप दोनों के विवाह से ही पूर्ण हो सकती है। अब जो उचित है वही करना है आपको। जो अनिवार्य है उसमें विचार कैसा पिताश्री? हाँ महादेव, आपको देवी पार्वती से विवाह करना ही होगा। हाँ कीजिए ना पिताश्री। विवाह के लिए हामी भरिए ना महादेव। विवाह के लिए हामी भरिए महादेव। शीघ्र उचित निर्णय लीजिए महादेव। हाँ महादेव, आपको विवाह करना ही होगा। हाँ कर दीजिए ना पिताश्री। उमा, क्या मुझसे पुनः विवाह करोगी? अवश्य नाथ। तो ये भान भी नहीं कि कुछ ही क्षणों में ये जलधारा उन तक पहुंचने ही वाली है। भैया, अब क्या करें हम? माता महाकाली, Oh,
अनर्थ अवश्य टल जाएगा भैया। माँ ने स्वयं ही इस संकट का निवारण कर लिया। धन्य है जगत माता आदिशक्ति, धन्य है देवी महाकाली। पिताश्री अब तो परीक्षा समाप्त कीजिए। पिताश्री माता के महाकाली रूप ने जलधारा को रोक लिया और माँ ने अपना तप भी भंग नहीं होने दिया। अब तो उनके तप को सफल कीजिए पिताश्री। ये अंत नहीं आरंभ है पुत्र। अब तक तो कार्तिकेय, श्री हरि नारायण, तुम और देवी महाकाली सफल हुए, किंतु उमा की परीक्षा तो अभी भी शेष है पुत्र। ये क्या कह रहे हैं आप पिताश्री? माँ की और कैसी परीक्षा लेने वाले हैं आप? पिताश्री के मन की अनंत गहराई की थाह पाना असंभव है। अब वो क्या करेंगे ये तो वही जानते हैं, किंतु मैं उसकी कल्पना से ही चिंतित हूँ। क्या करें गणेश? अब हमें इस समस्या का शीघ्र कोई समाधान सोचना होगा गणेश। इस जलधारा के प्रभाव से तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये तो जैसे अज्ञानता का अंधकार है जो भक्ति और दिव्य प्रेम के प्रकाश से ही छटेगा, और कदाचित इस जलधारा से होने वाले विनाश को रोकने का भी यही उपाय है। माँ, धारा के नीचे से हट जाइए। माँ शीघ्रता कीजिए। माँ जलधारा मेरी ओर बड़ी आ रही है। भ्राता नारायण, पुत्र कार्तिकेय, महाकाली और पुत्र गणेश सभी प्रचंड जलधाराओं को थामे हुए हैं। माँ धारा के नीचे से हट जाइए। माँ शीघ्रता कीजिए। माँ हट जाइए। माँ, माँ आपकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पिताश्री द्वारा भेजी प्रचंड जल धाराएं हैं ये। इनके मार्ग से हटकर स्वयं को सुरक्षित कीजिए। माँ हट जाइए। मेरे स्वामी यदि मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो पीछे नहीं हटूंगी मैं। किंतु स्वामी परीक्षा तो आपकी भी है, मेरे प्रति आपके प्रेम और सम्मान की परीक्षा। यदि मुझे बहना ही है तो अवश्य बहूंगी मैं, किंतु आपके साथ बहूंगी नाथ। अनर्थ
बहन पार्वती। उमा, आपने सुन ही ली मेरी पुकार। यह क्या उमा, मेरे लिए अपना अस्तित्व मिटाने के लिए प्रस्तुत हो गई ये विचार किए बिना कि शिव का अस्तित्व तो तुम्ही से है? क्या सोचा था तुमने, मैं ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा करने नहीं आऊंगा? तुम्हारी वजह से शिव का जीवन सार्थक हुआ है, तुम्हारी सहायता से मैंने सृष्टि की रचना की, और आज तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व पुनः शून्य हो जाता और संपूर्ण संसार उस शून्य में विलीन हो जाता। सत्य कहा था तुमने, तुम्हें पुनः खोने की कल्पना का वो क्षण मेरी ही परीक्षा का क्षण था, किंतु अब तो मैं परीक्षा में सफल हुआ ना प्रिय, कहो पुनः साथ निभाओगी मेरा? अपना हाथ मेरे हाथ में थाम कर मेरी पत्नी, मेरी सहभागिनी बनोगी? अवश्य नाथ, आपकी सहभागिनी बनना तो मेरा अधिकार है, सौभाग्य है। Thank you.
स्वामी, आपको अनुमान भी है आपसे दूर रहकर कितनी द्रवित रही हूँ मैं। उमा, तुम्हारे वियोग की असहनीय पीड़ा से तो मैं भी व्याकुल रहा हूँ। आप धन्य हैं पिताश्री। मूषक जी, आपके आनंद का अतिरेक सर्वथा उचित है। माँ, अब तो लौट आइए ना हमारे निकट। पिताश्री, माँ को कैलाश वापस ले आइए ना। स्वामी, शिव और शक्ति के शुभ मिलन का समय आ गया है। माँ, पिताश्री को आपसे पुनः मिलाने का श्रेय तो गणेश को ही जाता है। लौट आई माँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र गणेश। माँ, महादेव के संपूर्ण परिवार को पुनः एक साथ देखकर अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है। राता नारायण, आपको भी कृत कृत धन्यवाद। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं कि आप मेरे भ्राता हैं। उमा, कैलाश का कण कण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ, अब वहां लौट चलो मेरे साथ। अवश्य नाथ, इतने वर्षों से कैलाश से वंचित मैं भी वहां लौटने के लिए व्यग्र हूं, क्योंकि मुझे पुत्र कार्तिकेय के लिए उसका प्रिय भोजन और पुत्र गणेश के लिए उसके प्रिय मोदक भी तो बनाने हैं। अपने दोनों पुत्रों पर अपना लाड़ उडेलने का आनंद भी तो प्राप्त करना है। आओ, आओ। किंतु माँ अभी कैसे कैलाश जा सकती है? रुकिए माँ, रुकिए माँ। क्या हुआ पुत्र गणेश? मुझे लौटाने के लिए तुमने इतने प्रयत्न किए और अब तुम ही मुझे रोक रहे हो। हाँ माँ, अभी आपके कैलाश जाने का समय नहीं हुआ है। तुम्हारे कहने का क्या आशय है पुत्र? क्योंकि आप कुछ भूल रही हैं। भूल रही हूँ क्या गणेश? वो प्रण भूल रही है माँ कि जब पिताश्री पुनः आपसे विवाह कर आपको कैलाश ले जाएंगे, तभी आप उनके साथ जाएंगी। महादेव ने मुझे अपने से दूर किया तो मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करना होगा। उन्हें स्नेह और सम्मान के साथ मुझसे विवाह कर
मुझे कैलाश ले जाना होगा, ये मेरा प्रण है। और माँ, ऋषि कात्यायन को दिया अपना वचन भी स्मरण कीजिए। एक पुत्री के रूप में आपने मुझे अत्यंत ही सुखद पल दिए हैं, परंतु एक सुख से मुझे वंचित कर दिया। बस आपका कन्या दान नहीं कर सका। पिताश्री, ताश्री, आपको कन्या दान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा है तो पिताश्री को आपसे विवाह तो करना ही होगा मां। तो पिताश्री, आपका क्या निर्णय है? महादेव, गणेश का कथन उचित है। देवी पार्वती को अपने प्राण और वचन दोनों की मर्यादा रखनी होगी, जो आप दोनों के विवाह से ही पूर्ण हो सकती है। अब जो उचित है वही करना है आपको। जो अनिवार्य है उसमें विचार कैसा पिताश्री? हाँ महादेव, आपको देवी पार्वती से विवाह करना ही होगा। हाँ कीजिए ना पिताश्री। विवाह के लिए हामी भरिए ना महादेव। विवाह के लिए हामी भरिए महादेव। शीघ्र उचित निर्णय लीजिए महादेव। हाँ महादेव, आपको विवाह करना ही होगा। हाँ कर दीजिए ना पिताश्री। उमा, क्या मुझसे पुनः विवाह करोगी? अवश्य नाथ। रहा रीति अनुसार विवाह के पूर्व देवी पार्वती हमारे साथ रहेंगी। आप विवाह के लिए बारात लेकर आइए, तभी विवाह उपरांत वधू रूप में देवी पार्वती का साथ प्राप्त होगा आपको। अच्छा, तब तो सर्वप्रथम कन्या के पिता से कहिए कि वो विवाह संबंध का शगुन कैलाश भिजवाएं। महादेव, हमें आपसे तो यह अपेक्षा नहीं थी, आप तो अभी से ही वर पक्ष के समान व्यवहार कर रहे हैं। वर पक्ष वाले हैं तो वर पक्ष जैसा ही व्यवहार करेंगे ना। चलिए महादेव, बारात लेकर ही आते हैं। ओ शिव जी बिहान चले, पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे ला। शिव जी बिहान चले, पालकी सजाएंगे, भभूती लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। उमा, अब तो भेंट तभी होगी जब हमारा पुनः विवाह होगा। शिव जी बिहान चले, पालकी सजाएंगे, भभूती लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। शिव जी चले, पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पाल की सजाएंगे ला। शिव जी बिहान चले, पाल की सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पाल की सजाएंगे ला। भक्ति में समर्पण भी हो तो उसका परिणाम भी मंगलकारी होता है।